नास्टिन, आप जानते हैं पाकिस्तान टीम आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हो गई है और पाकिस्तान टीम इस वक्त वतन वापस आने की तैयारियों में है। लेकिन यहां पर शाहिद अफरीदी का पाकिस्तान टीम की हार पर बड़ा बयान सामने आ गया है। नास्टिन, शाहिद अफरीदी ने कप्तान बाबर आजम पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि कप्तान बाबर आजम शुरू से ही कप्तानी के लायक नहीं था, ये एक नाकस परफॉर्मेंस दिखाकर आए हैं भारत के अंदर। भारत के अंदर इन्होंने पाकिस्तान का नाम मिट्टी में मिला दिया है, ऐसी घटिया तरीन परफॉर्मेंस पहले देखने को नहीं मिली। शाहिद अफरीदी ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान टीम की जो सिलेक्शन की गई है वो घटिया तरीन सिलेक्शन है। अगर यहाँ पर हमें सिलेक्शन का कहा जाता तो हम मोहम्मद आमिर, हमाद वसीम जैसे प्लेयर्स को पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाते, क्योंकि ये वो प्लेयर हैं जो पाकिस्तान को हारा हुआ मैच जितवा सकते हैं। वर्ल्ड कप के लिए ऐसे प्लेयर्स की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर बाबर आजम की दोस्ती काम आई और यहाँ पर पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। नासरीन, शाहिद अफरीदी के इस बयान पर आप अपनी राय कमेंट में लाजमी दीजिएगा।